हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज आपके सामने करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की एक और कड़ी को जोड़ते हुए आपके सामने आया हूं। आज है 14 जनवरी और जितने भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके क्वेश्चन बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से, उन पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो आप प्लीज़ जो भी है सेशन को देखें, पूरा देखें और अपनी कॉपी पेंसिल इन द सेंस पेन को साथ में रख के लिखते हुए चले, नोट डाउन करते हुए चले, नहीं तो निकल जाएंगी चीज़ें। और मेरा ये पक्का 100% बिलीव है कि अगर आप देखोगे और नोट डाउन करोगे तो आपका आईक्यू लेवल वास्तव में बहुत तेज़ हो जाएगा, भले चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इसमें स्टैटिक जीके का ये है कि साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी चीज़ और भी चीज़ें जो साइंस रिलेटेड, मैं एक दो टॉपिक रखता हूँ डेली, तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी आ जाती हैं। तो आपका आईक्यू लेवल बच्चे का बहुत तेज होने लगेगा, अपने आप ही देख लेना। ये थोड़ी थोड़ी एक स्टेप बाय स्टेप कुछ कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी यदि आप डेली देखोगे, बहुत ही शॉर्ट में होता है बिना उसके। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले ही ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, हर्षाली मल्होत्रा, इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है हम आगे देखेंगे। फिर है इजाज़ पटेल को, ये अनिल कुंबले हमारे, इनके बराबर आए हैं थर्ड नंबर पे। किसके प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, 11 विकेट लगे लगातार लेने पे, एक ही पारी में लिए थे इन्होंने सभी विकेट, उसलिए चुना गया। चीन ने खोजा चंद्रमा पर पानी, थोड़ी ही तबीयत खराब है। रूस जो है, रसिया जो है, भारत की मीडिया से नाराज है, क्यों नाराजगी उसके कारण भी जानेंगे। और देखो आज देखते हैं क्या है अभी नाराजगी का कारण इनकी, रूस की। बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है, तो भाई देखते हुए चले और समझते हुए चले साथ के साथ। मास्को एक्सप्रेस सीरियस द डिससेटिस्फेक्शन विद द इंडियन ब्लेम्स फॉर द डिस्टर्ब कवरेज ऑन रशिया। रूस ने भारतीय मीडिया से बयानों पर नाराजगी जताई है, क्यों जताई है? यदि थोड़ा भी किरकिरी हुई है बहुत सारी, जो इंडिया की ये किरकिरी क्यों हुई है भाई? ये है इसका बयान किसका है, ये जो बयान है रशिया का है। क्यों है? क्योंकि रूस, रशिया का जो बयान है वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसने जो है, ये बंदा हमारे साथ खड़ा हुआ था, ये जो कंट्री है हर समय खड़ा हुआ था, लंबे समय से हमारा मित्र रहा है। ऐसे में जैसे मान लिया पाकिस्तान से कुछ लड़ाई हुई हो, कुछ वार हुआ हो, वो जो अमरीका की कुछ बात आती है तब भी हमारे साथ खड़ा हो रहता है। और जितने भी लड़ाकू विमान है या कुछ भी है तो वहीं से रशिया ही तो प्रोवाइड करता है हमें। तो एक दोस्त है जो अब ये इसका सेंट्रल, अगर उसको ऐसे में, ये दोस्त है ना, इस दोस्त को, हमारे दोस्त को बुरा लगा है क्या? सेंट्रल एरिया है कजाकिस्तान, जो LPG की गैस के लिए संकट के लिए इस्तीफा दिया है उसकी, वहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो यहाँ है अलमाटी जगह है जो नेचुरल गैस के लिए, यहाँ पे वो लोग गुस्सा हैं, वो कीमत बढ़ी है LPG की, तो उसलिए ये सारा मैटर है। तो भारतीय मीडिया ने कजाकिस्तान को रूसी सैनिक जाने के लिए सच क्या है वो नहीं बताया, तो ये देख, ये सारा मैटर। द फ्रेश वायलेंस इन द कजाकिस्तान आफ्टर द रशिया सेंड टू द ट्रोप्स ऑफ फुट ऑफ द डाउन ऑफ द अनस्पायरिंग, दिस इज द सारे स्थान की जो सारे में है ना, सारे में पहले USR होता था ये, और 1991 टूटकर सोवियत संघ जो 15 दिवसों में बट गया। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। यहाँ वित्तीय राजधानी क्या है? अलमाटी है। रूस है, रूस जानबूझकर शक्ति स्थापित करने जा रहा है, ऐसे इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं अब रूस ये कर देगा, अब देखो ये वहाँ पर उसकी तरफ ये जो टैंक खड़े हैं उसकी तरफ मिसाइलें खड़ी कर दी हैं, उसको अपने में मिलाना चाहता है, ये इस तरह की, तो ये सब चीज़ें। अब CSTO जो 6 देश का समूह है, ये इसमें 6 देश में रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस और अर्मानिया, तुर्कमिस्तान, तो अर्मेनिया इसकी क्या लीड कर रहा है, इसको नेतृत्व कर रहा है। रूस ने कहा कि पांच देश और भी तो हैं भाई, जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी तो इसमें एक जो मेंबर की तरह लड़ रहा हूँ इसमें, तो टारगेट उन्हें तो कुछ नहीं कह रहा, उनकी तो बात नहीं कर रहा। तो इंडिया न्यूज़ जो मीडिया जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही दिखाने की कोशिश करता है जो यूरोप और अमेरिका की कंपनियों ने परोसती है, देखा होगा आपने। रूस का क्या व्यवहार है कजाकिस्तान को खाने जैसा है, ये दिखा रहे हैं कि हाँ, तो यही तो हुआ इसमें कि नहीं, उसकी मिसाइल इधर करने खड़ी हैं, अब ये अपने आप को मिला लेगा इसको रूस, इसको कजाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, अपने मिला के ये लेगा, ये इस तरह के मतलब सारे न्यूज़पेपर ने, बहुत इंडिया के सब में यही आ रहा था लगभग, तो उसी से नाराज है। रूस ने कहा है कि न्यूज ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हम बोल रहे हो कि ऐसे दिखाओ कि जैसे रूस
से यूक्रेन अपने आप जुड़ना चाहता है, तो समझ रहे हो ना, कोई भी तो एक पहलू है। जैसे सपोज करो एक हमें कि हम दूसरे को जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, ठीक है, अब उसमें बोले कि नहीं हम उसमें उस तरफ ये कर रहे हैं, उसमें अपने को मिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो तो हुआ अलग। अरे ये दिखा दिए कि नहीं वो जम्मू कश्मीर के आदमी जो श्वेत है अपने आप में इसमें मिलना चाहते हैं, तो इस तरह का शो कर, तो ये बोल रहा है इसलिए नाराज है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रसिया एशिया में है, राजधानी क्या है, ये रसिया यूरोप और एशिया दोनों में, ठीक है, मॉस्को पर ज़्यादातर मोस्टली एशिया में है, ठीक है ना। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, प्रधानमंत्री मिसाइल भी विश्वनीय है, मुद्रा रूबल है, संसद ड्यूमा है, विशेषता सर्वाधिक क्षेत्रफल है, राष्ट्रपति हमारे व्लादिमीर पुतिन है, 2036 तक रहेंगे, उन्होंने वहाँ के संविधान में संशोधन करा लिया, कोरोना की फर्स्ट वैक्सीन स्पुतनिक फा बनाई गई थी, स्पुतनिक फाइव पशु वैक्सीन भी इन्होंने बनाई है, शिविर आइस ब्रेकर इसने लॉन्च किया है रसिया ने, ये आइस को काटते हुए चलेगा एक तरह से जहाज आइस का, तो इजीली हम फिर व्यापार कर सकते हैं, फिर घूम के नहीं जाना पड़ेगा हमें। और जिनकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण रशिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होते हैं, 1984 से बनाना स्टार इंटरनेशनल जो यूथ डे 12 अगस्त को होता है, होस्ट जो स्टेट है पांडुचेरी है, थीम है सशक्त युवा सशक्त भारत। अब देखो 1863 में वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था जो स्वामी विवेकानंद जी का, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, 159वीं जयंती है इनकी। स्वामी विवेकानंद जी का निधन वैल्यूर मठ में हुआ था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, पश्चिम बंगाल में है ये वैल्यूर मठ, और इन्होंने राम जो इसका जो वैल्यूर मठ का जो हेडक्वार्टर है वो रामकृष्ण वंश का है यहाँ पे। वर्तमान में भारत के खेल और युवा मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है, प्रबुद्ध भारत मैगजीन का जो संपादन रामकृष्ण परमहंस संस्था ने किया, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध स्वामी दयानंद से, संवाद कौमुदी का राजा मोहन राय से संबंध है, इनकी बुक है ये फेमस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है, जो हेडक्वार्टर है हमारा जो वाशिंगटन DC में, वो यहीं पे वर्ल्ड बैंक का, दोनों एक साथ की स्थापना हुई थी इनकी। और इसके हेड कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, टोटल कंट्री कितने 190। स्थापना ब्रिटेन वुज सम्मेलन से हुई थी इसकी स्थापना, ब्रिटेन वुज सम्मेलन 1944 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुई थी यहाँ पे, मुख्यालय वाशिंगटन DC में, वर्तमान में 190 देश हैं मेंबर हैं। मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं पियरी ओरिवर गैरी गोरीकंच, फ्रांस के हैं, इन्हें गीता गोपीनाथ के स्थान पर बनाया गया है। IMF की जो ये फर्स्ट लेडी बनाई गई, DPT बनाई गई है, गीता गोपीनाथ जो है ये इंडियन है वहाँ से। IMF 190वां मेंबर कौन सा है IMF में, अंडोरा, वो पेपर गोल्ड है इसकी मुद्रा जो है IMF की। SDR जिसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं, विशेष आहरण मुद्रा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी होती है, ईजो ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक जारी करता है, भारत की रैंक 63 है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को, हेड कौन है, सतीश रेड्डी हैं, का सफल परीक्षण किया है इन्होंने, कौन सा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, ये क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं इसको पोर्टेबल, इसलिए ये जो टैंक है नस्तनाबूत करेगी, टैंक को नस्तनाबूत उसको, ठीक है। क्षमता कितनी 2.5 किलोमीटर है, स्वदेशी हल्के वजन वाली है, मानव द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, दागो और भूल जाओ नीति पे काम करेगी, नाग है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट है S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे ट्रायम्फ भी कहते हैं, इसे रूस और भारत ने लिया है, रूस से जो भारत ने लिया है इसको S-400 को। क्षमता कितनी है इसकी 400 किलोमीटर है। अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, इसका पहले नाम क्या था, विलर द्वीप था। हाल ही में DRDO की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई, हेड कौन इनके, सतीश रेड्डी हैं। साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला, हेमंत शर्मा को, वो हेमंत कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट है वुल्फ ज्वालामुखी गैलोपैगास द्वीप पे है, माउंट वीटन भी बोलते हैं इसको, ये फट गया है, प्रशांत महासागर में है,
ऐसे गैलो पैगास द्वीप ये प्रशांत महासागर योगी इक्वाडोर ये, ठीक है, तो ये फटने का कारण है लंबे समय तक प्रशांत महासागर तक फैलेगा। लावा जो है कहाँ जाएगा, प्रशांत महासागर में जाएगा। आर्क ऑफ द डार्विन गैलो पैगास द्वीप पर पाया गया था। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। पेरू और बोलिया की सीमा पर टिकटिकी कागा झील है। जो पैटागोनियम रुस्तर अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े अमेजोनिया वर्षावन को कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। चिली की सीमा सर्वाधिक शुभ स्थल है। विश्व में सबसे अधिक शुभ अटाकामा मरुस्थल में पाई जाती है। ये है हमारे एजाज पटेल और इनके साथ हैं ये हमारे अनिल कुंबले इंडियन है, तो ये भी इंडियन ही, पर ये इनका जन्म यहाँ हुआ था लेकिन अब ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। एजाज पटेल, एजाज पटेल देखते हैं, जन्म मुंबई में हुआ था। ये दिसंबर में इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दिसंबर का, ICC द्वारा घोषित किया गया है। मुख्यालय दुबई में है ICC का, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। वर्तमान में हेड ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है ना। एजाज पटेल थे तो इंडियन लेकिन वहाँ पे खेलने लगे उधर उधर की तरफ से, तो इसलिए वहीं से हुए। तो इन्होंने एक पारी में कितने 10 विकेट लिए थे। एक तो आउट होता ही नहीं, 11 खिलाड़ी होते हैं तो एक तो यही जाता है, तो पूरी पूरी टीम को इन्होंने आउट कर दिया एक तरह से। ऐसा कहने वाले दुनिया के थर्ड नंबर के बने, पहला कौन कर चुके हैं जिम लेकर, सेकंड पे हमारे इंडिया के हैं अनिल कुंबले और थर्ड हैं ये एजाज पटेल। T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ये T20 संयुक्त अरब UAE में हुआ था। ICC टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में, उप विजेता भारत, पहली बार इसका आयोजन हुआ। T20 में सबसे अधिक जल्दी शतक लगाने वाला सोफी डिवाइंस है, महिला में न्यूजीलैंड की है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बालों को दिया गया, 25 लाख रुपए की दिया राशि दी जाती है। क्रिकेटर इसमें जो 12 में जो है हमारी मिताली राज है, सबसे ज्यादा रन जो महिला खिलाड़ी में बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। फुटबॉलर सुनील छेत्री है जो 12 खिलाड़ी में। और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का नोवा संस्करण है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ जो ओमिक्रॉन के कारण इसको रद्द करना पड़ा। गुवाहाटी असम में होगा। जुड़ीमार वाइन का जो GI टैग है असम के पास है। तेजपुर लीची का भी इन्हीं के पास है GI टैग है। असम का पहला नाम क्या था, कामरूप था। इसके असम के संस्थापक कौन है, गोपीनाथ बारदोलाई है। असम का असम वैभव सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन गोवा में हुआ, इसका जो 52वां संस्करण था। हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान असम में बना, असम में टोटल 7 हैं। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया है। फेस्टिवल कौन सा बिहू है, अब देखते हैं। सबसे नवीनतम देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें असम में 7 है। टोटल काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमोरी, ओरांग और डिब्रू साइखोवा। असम ये रहा मेरा असम, 26 जनवरी 1950 को बना था। राजधानी दिसपुर है यहाँ की। अच्छा ये असम हो गया, ये मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल हेमंत बिस्वा सरमा BJP पार्टी से हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं और बाकी का भी हाई कोर्ट ये लगता है हाई कोर्ट उनके आसपास के। जिले हैं 33 हैं। विधानसभा की 126 हैं, लोकसभा की 14 हैं, राज्यसभा की 7 हैं। झीलें लेक्स कौन कौन सी है, हम्फलोंग झील, चंडूबी, डियाली, पुखरी, शिवसागर झील, ये जो डिगबोई झील, दीपोरबिल, सोनबिल, दिहंग लोग ने। अब नेशनल पार्क कौन कौन से, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकाई ने। अच्छा ये जो काजीरंगा है सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका ओरांग से जो राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। लोक नृत्य डांस कौन से हैं, बिहू नृत्य, भोरताल नृत्य, खम्बा बिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक नेशनल पार्क जो हैं, सबसे अधिक जो हैं हमारे कायम में हैं, ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ। जल मेट्रो परियोजना, वाटर मेट्रो परियोजना कोची में हो, कोचिन CPR लिमिटेड के नाम से 23 इलेक्ट्रिकल बोट बनाई गई। इसमें इलेक्ट्रिकल बोट का नाम क्या है, जल मेट्रो का नाम दिया गया है। 23 में से एक फर्स्ट जल में उतार दी भी गई है। अब देखो इसको, ये जो बनाई है ना मेट्रो जो ये इस तरह से जल बोर्ड, इसका नाम क्या नाम है, मुजरिस, क्या नाम है, मुजरिस रखा गया है। मुजरिस पहली जो है ये जल में उतार दी है, मुजरिस नाम रखा है। कोची जो में लॉन्च किया गया है, कोचीन से केरल में
इनमें सहायता किसने दी है, जर्मनी ने सहायता दी है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल से है, ये कसार कोड से तिरुवनंतपुरम, ये सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। केरल का जो जो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी ग्रुप को दिया गया। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। मलयालम ये जी ग्रुप के लिए, मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया। ये केरल के राज्य की राजभाषा है मलयालम। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का नीलमणि फूफन को दिया गया। इनमें ईमान जिसकी इनामी राशि है इस अवार्ड की वो 11 लाख रुपये है। जो वेबनाथ झील केरल में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 12 नंबर के हैं, जो घोषणा कर दी गई है इसे हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। 2000 फिल्म में जो मूवी आई थी ना बजरंगी भाई जी, मुन्नी का जो किरदार निभाया था, उनको दिया गया ये। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है। अच्छा, 51वां दादा साहब फिल्म पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। ब्रिक्स का सम्मेलन किए और ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड धनुष को दिया गया है। ये असुरुन फिल्म के लिए दिया गया, असुरुन ये है, इनको इनको मिला है दादा ये जो अम्बेडकर अवार्ड, जिनको ये मुन्नी मुन्नी उसमें आई थी मूवी 2000 में, बजरंगी भाई जान के एक्टर्स थे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ द ईयर हेमा मालिनी को दिया गया है। पर्सनलिटी ऑफ द ईयर का हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री कुन जांगल को दी गई थी 2022 के लिए ऑस्कर 94 नंबर के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नेक्स्ट है हमारा 2022 में Q1 जो इसकी जो क्वार्टर जो पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, इसमें सबसे बाद मजबूत पासपोर्ट जापान प्लस सिंगापुर का, सबसे खराब जो अफगानिस्तान का है। भारत का जो रैंक है 83 है और भारत भारत को 60 देशों में बिना वीजा के एंट्री मिल सकती है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक 2nd है, इंडिया की 1st है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की 139 है। जापान के नए पीएम फूमियो किशिदो, सलमा सैतूत बांध का और दहला बांध अफगानिस्तान में है। यहाँ की जो है राजधानी काबुल हुई और भाषा पुश्तो, भाषा पुश्तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वायु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण का स्टार्ट हुआ। इसी क्रम में लक्षद्वीप में यूटी पहला राज्य बन गया जहाँ टीकाकरण हुआ था। सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन वाला हिमाचल प्रदेश है, पहला जिला सबसे ज्यादा 100% वैक्सीनेशन वाला हिमाचल प्रदेश का बना। टीबी मुक्त पहला लक्षद्वीप बना हुआ है भारत का। दोनों डोज लेने वाले यूटी अंडमान निकोबार में लगी दोनों डोज। अच्छा, 9 डिग्री 10 डिग्री समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है और मिनिकॉय और करावती के वो जो करवती के लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है और 10 डिग्री है जो हमारी निकोबार और अंडमान निकोबार 10 डिग्री है। परवाल वृत्ति से निर्मित द्वीप है जो ये लक्षद्वीप है, राजधानी है करावती। मालदीव और निकोबार को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, करावती और निकोबार को 9 डिग्री अलग करता है, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है। गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा पहला हेली हब। नेक्स्ट है ग्रेनेटियम भी यहीं पे जो हुआ था स्टार्ट हुआ था। उत्तरी पूर्वी भारत के संदर्भ में कुछ विशेष बिंदु नॉर्थ ईस्ट कैसे कैसे है, देखो हमारा ये ईटानगर होगी, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये दिसपुर हो गया, ये सब है हमारा, ये मेघालय, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, इस तरह से है। देखो म्यांमार से बनाने वाले राज्य ये कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट को ऐसे मान लेते हैं, ये रहा हमारा ऐसे मेघालय असम अरुणाचल नागालैंड मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ये म्यांमार है हमारा। इधर इसमें कौन कौन से राज्य लगाते हैं, तो ये वाले लगाएंगे ये जो ये तो अरुणाचल प्रदेश हो गया सबसे पहले ऊपर का, ये रहा नागालैंड, ये मेघालय, ये रहा मिजोरम, ये इस तरह से 4 लगाते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ओलिंग भी यहीं पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैडे के लिए ये है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये जो काबुल लामजाओ हमारा, और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। भारत का नवीनतम जो नेशनल पार्क देहिंपट का वो भी यहीं पे है असम में। मुंडलेइमा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। भारत का पहला तेलगुआ डिगबोई में, यहाँ ये कहाँ है असम में है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोटक, झील लोटक जो कहाँ है
लोटक झील, ये है मणिपुर में। गैरो गारो खासी जयंतिया, ये जो ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, ये मेघालय में दोनों, गारो खासू जयंतिया। वो गोमडिला और दिफूदर्रा कहाँ है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में है ये, और शेला सुरंग भी यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में। तेजूदर्रा मणिपुर में है। माउंट सरावती नागालैंड में है। चाइना, ये चीन की चीन है, चीन को बोलते हैं चाइना। महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग है। संसद पीपल कांग्रेस है। विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या है। राजभाषा मानक चीनी है। सबसे बड़ा नगर संघाई है। कृत्रिम सूर्य बनाया, लॉन्च कर दिया इसने, कृत्रिम उपग्रह भी इसने बनाया था, ठीक है ना। अब देखो एशिया पावर इंडेक्स में चाइना यूएसए के बाद सेकंड पोजीशन पे है अभी। अब देखो बीजिंग ओलंपिक में शीतकाल ओलंपिक यहीं पे होने वाले हैं, फरवरी में होंगे। चाइना एशियन गेम भी यहीं पे होंगे चाइना में। चाइना ने भारत के राजदूत बनाए गए हैं। भारत के राजदूत कौन है, प्रदीप कुमार रावत बनाए गए हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोज हैं इसने, डिस्कवर ऑफ द एविडेंस ऑफ द वाटर ऑन द मून, किसने, चाइना ने। चाइना का जो है टियानवेन दो, ये मंगल मिशन था, खैर इससे तो मतलब नहीं है। हाँ है ये चांग E5, ये रोवर था ये चंद्रमा पर गया, चंद्रमा के लिए था ये मंगल मिशन के लिए, ये चंद्रमा के लिए, उसके लिए चंद्रमा के लिए, ध्यान रखना अलग अलग है दोनों। तो ये लैंडर था, इसने वहाँ पानी के साक्ष्य खोजे हैं, देखो ना जो पानी के साक्ष्य खोजे हैं वहाँ पे इसने। क्या हो गया, चलो ठीक है आगे देखते हैं आगे कैसे इसकी जो लंबाई है। अच्छा फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ये हमारा राजस्थान है जो, अच्छा हाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग बनाएगा जो ये राजस्थान बनाएगा सबसे, 15 जनवरी को हमारा जो आर्मी डे के उस पर राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत है INC से। राज्यपाल कलराज मिश्र। मुख्य न्यायाधीश अखिल कुमार कुरैशी। जिले हैं 33 हैं। विधानसभा की 200 हैं। लोकसभा की 25 हैं। राज्यसभा की 10 हैं। लेक्स हैं पुष्कर झील, राजसमंद झील, पछोला, फतेह सागर, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क यहीं पे हैं। लोक नृत्य घूमर है, पनिहारी है, कालबेरिया यहीं पे हैं। चर्चित स्थान जो उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर सब यहीं पर। राजस्थान के जैसलमेर में फहराया जाएगा ये सबसे बड़ा जो ये झंडा फहराया जाएगा इस पे आर्मी डे पे। सेना दिवस पे फहराया जाएगा ये, ठीक है। लंबाई 225 फीट और 150 फुट की चौड़ाई होगी इसमें। निर्माण जो खादी ग्राम उद्योग ने किया, 100 किलोग्राम का होगा ये, ध्यान रखना इस बात का। मिशन अमानत मिशन का जो ये RF नीति जो है, रेल यात्रियों को जो सामान छूट जाता था ना तो उनको प्रॉब्लम होती थी। अच्छा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी बनाए गए। तो पश्चिमी रेलवे जो उन्होंने स्टार्ट किया, एक पोर्टल बनाया, उस पर ये फोटो डाल देंगे, उसको जिसका सामान खोया होगा उसको देख लेगा कि वो फिर वो एक स्टेशन पे पर्टिकुलर पे रख दिया जाएगा, वहाँ पे जाके ले सकता है इसको देख के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और